वक्त जिसके लिए किसान अब सिंघू बॉर्डर से बस पर बैठकर रवाना हो चुके हैं, अपना चाय नाश्ता खाना सब साथ लेकर। तो कृषि कानून पर घमासान थम नहीं रहा है। किसान और सरकार के बीच आज पांचवे दौर की अहम बैठक होने वाली है। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे का वक्त है जब ये बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने सीधे ऐलान कर दिया कि आज के दौर की बातचीत यानी कि ये पांचवे दौर की आखिरी बातचीत होगी। अगर मांगे नहीं मानी तो फिर इसके बाद 8 दिसंबर को भारत बंद पुतला फूकेंगे। किसान अड़े हैं, कानून रद्द करवाना चाहते हैं, MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार भरोसा दे रही है कि किसानों के हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन किसान यकीन करने को राजी नहीं। किसानों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के घर पर भी एक बड़ी बैठक हुई है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी लोग मौजूद थे और बैठक में किसानों की मांगों को लेकर ही चर्चा हुई है। चलेंगे सीधा हिमांशु मिश्रा और मिलन हमारी सहयोगी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला क्या होगा हिमांशु जो आज 2 बजे टेबल पर रखा जाएगा? बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं, 3 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताए थे कि MSP को लेकर सरकार जो है वो लिखित आश्वासन दे सकती है। साथ ही साथ SDM के पास जाने की जो प्रोविज़न था कि अगर कोई कंपनी किसी किसान के साथ फ्रॉड करती है, पेमेंट नहीं देती है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए भी सरकार राजी है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन कार्ड जरूरी नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोई भी बायर हो जो किसान की फसल को खरीद सकता हो। ये 3 प्रोविज़न थे। आज एक नई चीज़ है जो प्रदूषण संबंधित बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट ने पास किया था, उसमें भी रियायत देने के लिए तैयार है, जिसमें यह था कि पराली जलाने वाले किसान को 1 करोड़ रुपए का तक का जो है वो उनके ऊपर फाइन किया जा सकता है। उसको लेकर सरकार किसानों की बात को मानने के लिए तैयार है। साथ ही साथ बिजली संबंधित बिल पर भी जो किसानों की मांग है उस पर सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो मतलब यह है अब 3 पॉइंट से 5 पॉइंट पर सरकार जो है वो तैयार हो गई है, लेकिन देखना यह है कि क्या किसान सरकार के आज के प्रपोजल को मानते हैं या फिर आंदोलन को जारी रखते हैं, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, हाँ या ना में बताइए कि तीनों बिलों को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। अब लगता है कि ये जो संशोधन है सरकार की तरफ से, आज प्रधानमंत्री ने भी शायद बिल्कुल ये विचार करने को सरकार तैयार है। जो मांगे हैं, शब्द विचार का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, अमेंडमेंट की बात हो रही है। मिलन, अमेंडमेंट या रद्द, क्योंकि किसान तो रद्द करने पर अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। किसान क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त उनका जो आंदोलन है ये इस पर टिका हुआ है कि ये 3 कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि अगर विचार का समय था कभी तो किसानों ने ये कहा है कि वो अब निकल चुका है। अगर सरकार लिखित में MSP का आश्वासन देती है उस पर शायद विचार किया जा सकता है, लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि बहुत मुश्किल होगा जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनको समझाना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कानून रद्द क्यों नहीं किए जा रहे। और इस पर कई किसान नेता अपने बीच में बातचीत कर चुके हैं, उनका यही कहना है कि आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है, बाकी राज्यों से लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और बहुत मुश्किल होगा उनके सामने लोगों को ये कहना कि क्यों सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती है। छोटी सी बात एक मैं मंजीत राय जी से करना चाहूंगी, क्या आप अभी भी कानून रद्द करने पे डटे हुए या किसी संशोधन के लिए तैयार हैं? अगर MSP लिखित में दिया जाता है, सिविल आपको दे देते हैं, सिविल कोर्ट फॉलो कर सकते हैं? नहीं, हमारा तो एक ही फैसला है, क्योंकि कल हमने मीटिंग की थी हमारी, पहले पंजाब की जथेबंदियों की, फिर पूरे के पूरे भारत की जथेबंदियों की, तो उसमें यह फैसला लिया गया है कि बिल्कुल कानून रद्द ही करवाने हैं, कोई संशोधन इसमें नहीं, उसके लिए हम नहीं तैयार। हम तो इसी बात पे मानेंगे, हमारा आंदोलन इसी बात पे वापस होगा अगर ये अपने कानून रद्द करते हैं, सारे के सारे जो अभी नए कृषि कानून जितने लाए हैं वो सारे रद्द करते हैं, तभी ये आंदोलन वापस होगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जैसा कि आपने सुना, रद्द 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 कानून रद्द करने की रट है ये, और देखना ये होगा अब सरकार सामने क्या करती, क्योंकि आज जवाब का दिन है तो सरकार को जवाब देना होगा। अब देखना ये है कि कहां पर संशोधन हो सकता है और कहां पर किस तरीके का जवाब सरकार किसानों को देगी। बिल्कुल मिलन, रहिए हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद है। चलेंगे सीधा, क्योंकि पटना के गांधी मैदान पर उधर तेजस्वी यादव भी धरने पर बैठ गए। रोहित, वहां पर
क्या तेवर आरजेडी के तेजस्वी के? जी देखिए, इस वक्त गांधी मैदान के बाहर हम लोग मौजूद हैं। तेजस्वी यादव अभी यहां पहुंचे थे और अभी गांधी मैदान के अंदर वो जाने वाले हैं, लेकिन आप यहां पे देखिए सैकड़ों की संख्या में जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों के समर्थन पे जो है यहां धरना दिया जा रहा है। हालांकि इस धरने को लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जहाँ पर धरना हो रहा है ये एक निर्धारित जगह नहीं है जहाँ धरना होना है, और इसीलिए सुरक्षा बल भी काफी यहाँ पहुंचे गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने मांग की है कि उन्हें गांधी मैदान के अंदर कम से कम जाने दिया जाए ताकि वहां पे गांधी प्रतिमा पर जाकर वो माल्यार्पण कर सके। लेकिन जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उसको लेकर अब बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। नवजोत, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हम सीधा एक बार फिर से हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, हमने जिस तरीके से मिलन अब किसानों से बात कर रही है, हालांकि सरकार कह रही है कि जितने भी बिंदु थे किसानों के उन पर हम विचार करने को तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द होने चाहिए। रास्ता निकलेगा कैसे? फॉर्मूला लेकर टेबल पर बैठेगी सरकार, लेकिन मनाएगी कैसे अब किसानों को? देखिए बिल्कुल नवजोत, बैठकों का दौर तो जारी है, इसको तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि नहीं है। सरकार की तरफ से जब परसों बैठक हुई थी तो 3 प्रपोजल थे, आज उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ये बात जरूर है, जब बातचीत होती है, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ जब से ये बैठक शुरू हुई है 1 तारीख से, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर है और लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे हटना होता है, नेगोशिएशन टेबल होती है। दोनों पार्टियों को जब भी कोई समझौता करना होता है तो कुछ तरफ दोनों पार्टियों को छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ एजेंडों को छोड़कर आगे बढ़ना होता है, तभी कोई बातचीत जो है सक्सेसफुल होती है, उसका रास्ता निकलता है, उस पर फैसला हो पाता है, समझौता हो पाता है। और यही कोशिश सरकार की है कि कम से कम पॉइंट्स के ऊपर जो है किसानों को मना लिया जाए और समझौता कर लिया जाए और एक कमेटी फॉर्म की जाए। अगर आगे भी किसी तरीके की कोई मांग किसानों की रहेगी तो उसको लेकर चर्चा जारी रहे, लेकिन आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में आज सरकार की तरफ से जब ये नए 2 पॉइंट्स ऐड करके दिए जाएंगे तब किसानों का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन को जो है जल्द से जल्द समाप्त कराया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों की बातों को सुना जाए, अगर कोई समाधान हो तो वो दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। मिलिंद, देखिए बातचीत के जरिए हल निकलेगा सकारात्मक तरीके से। किसान भी पिछली मीटिंग में भी गए थे, इस बार भी जा रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई हल निकले, कोई समाधान निकले। अब बात ये भी हो रही है कि एक कमेटी फॉर्म कर दी जाए, इस पर जरा किसानों से बात कीजिए। चलिए, इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आज कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको जी 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 देखिए यहाँ पर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहले भी कमिटी बनाने की बात की गई थी जिसको किसानों ने कहा था कि अब कमिटी बनाने का वक्त निकल चुका है, तो इस बार अगर कमिटी बनेगी भी तो उस पर क्या विचार होगा ये भी सोचने वाली बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान यहाँ पर 2 बसों में आज फिर भर के जा रहे हैं, हमें ये भी पता चला है कि 40 से ऊपर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन होंगी। पिछली मीटिंग में 40 लोग थे, इस बार 40 से ऊपर लोग होंगे, क्योंकि जो किसान यूनियन है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के नहीं है, केरल से, बंगाल से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से भी किसानों के रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में मौजूद होंगी। और ये सब एकजुट आज जिस तरीके से आपने बताया कमिटी की बात, यही वो मन में आशा रख के चल रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से एक कदम या 2 कदम पीछे हटेगी। हालांकि टेबल बेस्ड नेगोशिएशन है, ये भी हो सकता है कि किसानों को अपनी तरफ से 2 मांगे छोड़नी पड़े या सरकार को अपनी तरफ से 2 मांगे छोड़नी पड़े, ये तो अब मीटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन यहां से बस में भी इस वक्त आप देख सकते हैं आपस में बातचीत चल रही है, बस में यहां पर किसान यूनियन के नेता जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सारे जो राज्य के किसान हैं वो एकजुट
एकजुट हैं। ये बात सिर्फ हरियाणा और पंजाब की नहीं है, ये बात पूरे देश की है और इसीलिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, ताकि आज इस मीटिंग में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है इसको और बड़ा किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा और फिर सरकार के लिए और दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, मिलन हमारी सहयोगी लगातार उसी बस से मौजूद हैं जहां पर किसान बैठे हैं विक्ट्री साइन के साथ, सिंगू बॉर्डर से निकले हैं 2 बजे का वक्त, जब विज्ञान भवन में बैठक होनी है सरकार के साथ। बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, लेकिन बातचीत होगी तब रास्ता निकलेगा, कोशिशें की जा रही हैं, किसान भी अड़े हैं, सरकार अपनी तरफ से फॉर्मूला लेकर टेबल पर बैठेगी, लेकिन जब कमेटी बनाने की बात आती है तब रुख क्या रहता है किसानों का? मिलन, जरा बात कीजिए किसानों से। बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे कुछ लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया, आप बताइए सर, अगर कमेटी बनाने की बात करते हैं सरकार, तो क्या आप ये बात मानेंगे कि कमेटी बनाकर इसमें कुछ संशोधन हो? देखो जी, जो कमेटी की गल हैगी सी वो समा लंघ चुका हैगा, हुण कमेटी नहीं, जिन्नियां सी जथेबंदियां दे आगू संयुक्त किसान मोर्चे दे द्वारा 71 हो चुके हैं, सारे दे सारे मीटिंग करांगे, जिहड़े साडे विचों स्पीकर चुने होणगे ओही सरकार दे नाल केंद्र दे मंत्रियां नाल गल करनगे, बाकी दे सारे कोल बैठणगे। अच्छा, कौन से स्पीकर चुने हैं आप लोगों ने? जैसे बलबीर सिंह जी राजेवाल हैं, डॉक्टर दर्शनपाल जी हैं, और कुलवंत संधु जी हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, और मैडम कविता जी हैं, और होर स्टेटों से जो स्पीकर चुने हुए हैं वो आज अपनी बातचीत रखेंगे। तो आपने सुना कि सारे किसान यूनियन एकजुट हैं, लेकिन इन्होंने कुछ स्पीकर्स को आगे किया है जो सबकी बात एक साथ आगे रखेंगे, और इसमें फिर से मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, यूपी के, केरल के और बंगाल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात सामने रखेंगे। तो आज यही कहना है कि स्पीकर जो है डेजिग्नेटेड जो इन्होंने किए हैं वो ही अपनी बात सामने रखेंगे सरकार के, और कमेटी बनाने का समय जैसे मैंने आपको बताया वो निकल चुका है, तो आज सरकार से जवाब लेकर ही जाएंगे किसान। ये भी हमें बताया है कि आज भी अपना खाना लेकर आए हैं, आज भी जथेबंदियों का खाना ही खाएंगे, और सरकार के साथ अगर बातचीत अच्छी रही तो शायद चाय उनके साथ जरूर पिएंगे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी लगातार जुड़े हैं फिलहाल। तो सरकार तैयार है, 2 बजे का वक्त है विज्ञान भवन में, और दूसरी तरफ किसानों की बस भी रवाना हो चुके हैं, पहुंचने वाली विज्ञान भवन, लेकिन जिस फॉर्मूले पर सरकार ने अपनी तरफ से बात रखनी है उसको लेकर किसान राजी नहीं है। सरकार की तरफ से जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि एमएसपी की रिटर्न गारंटी देने को सरकार तैयार है, और ये कह रही है कि मजबूत बनाया जाएगा उसको, यानी कि उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा, और इसमें 2 अन्य फसलों को भी लाया जाएगा जिसमें आलू और प्याज की भी बात हो रही है। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया जाएगा, यानी कि पैन कार्ड से एतराज था किसानों को, तो उसका उस पर विचार सरकार कर रही है कि उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। पेमेंट विवाद को लेकर भी जो आपत्तियां थी किसानों को, यानी एसडीएम कोर्ट में नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, उसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है। 1-2 और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा, इस पर भी विचार हो रहा है। पराली बिल को लेकर भी सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन किसानों का रुख अड़ा हुआ है। किसान सीधे कह रहे हैं कि विचार का वक्त निकल गया है, अब सीधे सीधे कानून रद्द हो। तमाम समाचार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।